और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से, जहां हो सकती है बिजली महंगी। DERC ने पावर परचेज एग्रीमेंट पर दर बढ़ाने की इजाजत दी है। ऐसे में 10% तक बिजली महंगी हो सकती है। BSES ने पावर परचेज को लगाई गई थी DERC में अर्जी और DERC ने BSES की अर्जी को मंजूरी दी है। तो ऐसे में अंतिम फैसला अब दिल्ली सरकार लेगी कि यह बढ़ी हुई दर बिजली के बिलों में शामिल होगी या नहीं। इससे पहले भी जब पावर परचेज एग्रीमेंट की दर बढ़ी है तो सरकार ने इसका खर्च बिजली कंपनियों को खुद ही उठाने को कहा था। लोगों के बिलों में कोई अंतर नहीं आया, लेकिन अब दिल्ली में बिजली महंगी हो सकती है, ऐसे आसार बन रहे हैं। राजधानी दिल्ली में मुफ्त बिजली का जो दावा है वो केजरीवाल सरकार का बड़ा चुनावी दांव होता है। अलग अलग राज्यों में इसे प्रचारित किया जाता है। ऐसे में दिल्ली में अगर बिजली महंगी होती है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी सरकार पर विरोधी निशाना साधेंगे। लेकिन अगर तकनीकी बात करें तो BSES को मंजूरी मिल चुकी है। DERC ने पावर परचेज एग्रीमेंट पर दर बढ़ाने की इजाजत BSES को दे दी है। 10% बिजली महंगी हो सकती है। वही महंगी बिजली को लेकर दिल्ली सरकार का पक्ष, जीरो बिल वालों पर असर नहीं पड़ेगा, दिल्ली सरकार ने यह दावा किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली सरकार का यह पक्ष है कि जिनका बिल शून्य आता है उन पर असर नहीं पड़ेगा। दरअसल राजधानी दिल्ली में एक निश्चित सीमा तक अगर बिजली यूज की जाती है तो उसका बिल शून्य आता है, जीरो आता है। और दिल्ली सरकार का कहना है कि ऐसे लोगों पर बढ़ी हुई कीमतों का असर नहीं पड़ेगा। लेकिन माना जाए कि जो लोग AC चलाते हैं या बिजली की खपत जिनकी ज्यादा है उनको ज्यादा बिल चुकाना पड़ सकता है। 10% तक महंगी हो सकती है बिजली। फ्री बिजली का मुद्दा, जो कि केजरीवाल सरकार लगातार अन्य राज्यों में भी एक उपलब्धि के तौर पर प्रचारित करती है, क्या उसमें अब बदलाव हो सकता है? लेकिन दिल्ली सरकार का यह पक्ष है कि जिनका बिल शून्य आता है उन पर असर नहीं पड़ेगा। Z News.